सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सदाना साहब का, इन्होंने मुझे मौका दिया कि आपसे इस हवाले से इंट्रोडक्शन भी हो जाए कोर्ट के अलावा। और शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जिन क्या तासरार का इजहार उन्होंने किया, मैं उनका मशहूर। और तमहीद भी उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने बांधी है इस टॉपिक को के इंट्रोडक्शन के लिए। शायद मैं ये अल्फाज जो इन्होंने अदा किए हैं मैं वो ना कह सकता, इस हवाले से भी मैं इनका मशहूर हूँ। लेकिन एक बात मैं पहले कहना चाहूँगा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, यानी इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले, कि ये जो 7-8 के करीब लीगल इश्यूज हैं जिनके ऊपर ये मुहित है ये प्रेजेंटेशन, ये 7-8 जो लीगल इश्यूज हैं ये कंक्लूसिव राय नहीं है मेरी, यानी ये नहीं मैं कहूँगा कि ये कंक्लूसिव है, इधर से उधर कुछ नहीं हो सकता। इट इज माय ओन ओपिनियन। और मैंने इवन अपना भी माइंड आई है ओपन माय माइंड ओपन रखा हुआ है इस हवाले से, इन इश्यूज के हवाले से। मे बी मैं रजू कर लूँ अपने जो मेरी कॉन्सेप्ट है इस हवाले से जो ये लीगल इश्यूज आएंगे। और हर इश्यू जो इसमें लीगल इश्यू होगा उसको ख़त्म करने के बाद आई विल इनवाइट यू कि आप लोगों से मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कमेंट्स दें इस हवाले से, अगर कोई एनी बडी वांट्स या फिर कोई क्वेश्चन कर सके, ताकि आपकी पार्टिसिपेशन भी हो और मे भी कोई ऐसा कमेंट या ऐसा कोई आपका क्वेश्चन हो जिससे ये थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मिसकंसेप्ट मैं कह रहा हूँ, मे भी वो कॉन्सेप्ट ठीक हो, वो आपकी पार्टिसिपेशन से हो। अच्छा देखिए, हमारा जो लीगल सिस्टम है, लीगल जुडिशियल सिस्टम है, कहने के लिए तो बड़ा सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का 73 का जो अब तक है, इसमें फ्रेमवर्क दे दिया स्टेट फंक्शनरीज का, मुख्तलिफ अदारों का एक फ्रेमवर्क दे दिया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मतहत बाकी लॉज बने, स्टैट्यूट्स बने, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस सारे आप डेली देखते हैं, पढ़ते हैं, हम कोर्ट्स में अप्लाई करते हैं। और एक बड़ा फंडामेंटल सा प्रिंसिपल इस हवाले से कि ऐसा स्टैट्यूट जो कॉन्फ्लिक्ट करता हो कॉन्स्टिट्यूशन से, जिस हद तक रिपेगनेंसी होगी उस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, वो एक्ट या ऑर्डिनेंस वो स्टैट्यूट वो प्रिवेल नहीं करेगा, वो स्ट्राइक डाउन। और इवन जो आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, और इवन हाई कोर्ट जो है वो भी, वो किसी भी लॉ को जो रिपग्नेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन से उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। एक दो इश्यूज बड़े क्रिटिकल आजकल भी हैं जो मेरे ख्याल शायद फिक्स हो गए हैं, लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप जानती हो, वो सुप्रीम कोर्ट देखेंगी, वो देखेगी कि वो रिपग्नेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, अगर है देन स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे। अच्छा अब देखिए, एक्ट्स ऑर्डिनेंसेस अगर उसकी टेक्स्ट को हम देखें तो एक बल्कि LLB में गाजमना भी है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एक सब्जेक्ट है पूरा। एक सिंपल टेक्स्ट से समटाइम्स हम जो जिन्होंने फ्रेम किया है ये जो लेजिस्लेट किया है, सॉरी जो लॉ,
उसकी ट्रू इंटेंशन समटाइम डिपिक्ट नहीं होती, यानी टेक्स्ट से खाली मतन से इंटेंशन लेजिस्लेचर्स की डिपिक्ट नहीं होती। फिर कोर्ट्स क्या करती हैं, उसको इंटरप्रेट करती हैं कि इसका ये मीनिंग नहीं, इसका ये मीनिंग है, इसका ये जो मीनिंग, और ये चलता रहता सिलसिला। कुछ कोर्ट्स कहेंगे कि इसका ये जो सेक्शन फलां फलां ऑर्डिनेंस का फलां एक्ट का है, इसका जो पहले से प्रिवेलिंग एक जो मीनिंग है वो ऐसी नहीं है, ट्रू इंटेंशन ये थी तो ऐसे ये एप्लीकेबल। यानी इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स की ये सुपीरियर कोर्ट्स ही करती हैं। हम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हम उस इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करते हैं। जो इंटरप्रिटेशन किसी लॉ की सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने दी है, वी आर बाउंड टू फॉलो दैट, और हमने उसको जस्ट अप्लाई करना है। अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं देनी एकेडेमिक पर्पज से, जैसे ये इट इज वन ऑफ दैट एक्सरसाइज कि एकेडेमिकली हम कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दी है हम उससे डिफर नहीं कर सकते, वी कैन डिफर एकेडेमिकली, लेकिन बाइंडिंग हम पे होगी, हमारे जुडिशियल सिस्टम में वो बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग क्यों होगी, सेकंड आर्टिकल 189। अब आर्टिकल 189 में और आर्टिकल 201, अब देखिए आर्टिकल 189 और 201 इन दोनों में आपको बड़ी सिमिलैरिटी नजर आएगी। जो आर्टिकल 189 है वो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और नीचे है हाई कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कोई क्वेश्चन ऑफ दो देखे, दो चीजें देखे, दो बुनियादी चीजें, डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ नंबर वन, इनन्सिएट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है किसी केस में, किसी मैटर में, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है, या कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ इनन्सिएट करे, जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ ही हो अदरवाइज, तो इस एक्सटेंट तक, ओनली टू दैट एक्सटेंट क्या होगा, इट विल बी, ये देखें, टू दैट एक्सटेंट, ओनली टू दिस एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक, when it decides question of law or based upon or enunciates a principle of law, is extent tak kya hoga, binding hoga all the courts in Pakistan, wo high courts ho, wo district courts ho, any court, koi bhi court ki jo definition mein aa rahi hai constitution mein, uske upar binding hogi supreme court, ye do kaam jab karegi। और इसमें कहीं आप देखेंगे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो नहीं है, कहीं भी नहीं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बिल्कुल भी नहीं। बाइंडिंग, ये बाइंडिंग कब है, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये डिसाइड और एनन्सिएट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर कोई फाइंडिंग है वो बाइंडिंग नहीं है। एक चीज ध्यान में रखिए, बाइंडिंग और चीज है, परसुएसिव होना और चीज है। परसुएसिव नेचर और बाइंडिंग इन नेचर दो डिफरेंट चीजें। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी आप सारे जानते हैं, बेल एप्लीकेशन में अक्सर वो आर्गू होता है जी रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी
वो क्या है कि ए कोड या स्पीजर कोड्स, उसमें एक कंसिस्टेंसी ऑर्डर्स में होने चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकूंगा कि अगर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को, यानी एक सेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर कोई डिसीजन दिया है तो मैं कहूं मैं तो नहीं मानूंगा। लेकिन ये याद रहे कि बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, परसुएसिव है। और परसुएसिव किस वजह से है? रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग ये दो दो चीजें हो, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा और प्रिंसिपल ऑफ लॉ होगा, सेम हाई कोर्ट्स के। और एक चीज और यहां नीचे आप देखेंगे, ये बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के जो ये हैं दोनों, यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो जहां पे डिसाइड होते हैं तमाम कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन जो हाई कोर्ट्स में हैं वो हमारे ऊपर बाइंडिंग सिर्फ हैं जिस हाई कोर्ट के हम सबॉर्डिनेट, वी आर सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट की कोई जजमेंट, बलोचिस्तान की कोई जजमेंट, या उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट, वो बाइंडिंग नहीं है। इसकी फिर जो हैसियत वो वैसे होगी कि परसुएसिव, उसकी देखें यहां पे वर्ड देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा रखते हैं जोर, एक एक वर्ड जो है वो क्रिटिकल होता है, एक एक वर्ड। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रैक्टिस है, जो आपकी फील्ड में बिग गन्स है, वो उनकी प्रैक्टिस ही ये है एक एक लफ्ज की। शरीफुद्दीन पीरजादा साहब हो गए जो मरहूम है, उसके बाद उनकी तो प्रैक्टिस ही थी एक एक वर्ड को। फिर वो ए हाई कोर्ट है, ऑल दी हाई कोर्ट होता तो फिर तो था कि वो बाइंडिंग है, ऑल दी ए हाई कोर्ट है। और यहां पे सबॉर्डिनेट टू इट, सबॉर्डिनेट टू व्हाट? ए हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट है। इनकी फाइंडिंग वही जो जैसे ऊपर मैंने बताया, उसको रिपीट नहीं मैं करता, वो बाइंडिंग होगी सबॉर्डिनेट टू इट, जो उस हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है। बलोचिस्तान में बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो बाइंडिंग होगी, उसके बाद सिंध, इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट। तो बाइंडिंग जो होगी, बाइंडिंग इन नेचर, जो जो साइटेशंस हैं, जो केस लॉ है, वो उसी पर होगा जो उस हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट, अदरवाइज परसुएसिव आप पेश भी करते हैं, आप डेली बेसिस पे सिंध हाई कोर्ट की पेश करते हैं, पेशावर हाई कोर्ट की पेश करते हैं, हम आगे से ये भी कहते हैं आप लाहौर हाई कोर्ट की पेश करें, देन ये बाइंडिंग होगी, अदरवाइज हम पढ़ेंगे यकीन है, और हमारे लिए ये परसुएसिव है, परसुएशन का सोर्स है हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखें इसमें मैं रिपीट एक चीज करना चाहूंगा कि बाइंडिंग है हम पे बिल्कुल, अभी जैसे पहले मैंने कहा कि बाइंडिंग तो है यही जो कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ लॉ के वाले से जो भी जजमेंट आती है, लेकिन हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट लेंगे, डिस्कशन करेंगे, और उसमें फिर आपके जो टेक जो इसमें होगा, वो कमेंट्स होंगे, वो भी लेंगे एंड पे, हर एक लीगल इश्यू के एंड। लेकिन ये याद रहे कि ये डिस्कशन का मकसद सिर्फ ये है एकेडमिक कोर्ट्स में, ये मैं अजराए तो पंदन कह रहा हूँ कि कल मेरी कोर्ट में को आ जाए कि आप तो ये आपका जाती ये था आप ये उस दिन ये कह रहे थे तो ये इससे कर, वो नहीं बात, वो जस्ट इट इज फॉर सेक ऑफ एकेडमिक डिस्कशन। देखें मर्डर, कत्लेआम 302 सारे जानते हैं, इवन जो जो आप तो माशाल्लाह सारे वो आम लिटिगेंट्स भी जानते हैं, कत्ल और कत्ले अम शायद वो नहीं इतने आगाह होंगे। 302 एक बंदा मर्डर हो जाता है और पुलिस वाले
सेक्शन 302 लगा के वो आपके पास आ जाता है, FIR हो जाती है, चलान आ जाता है, कोर्ट में आ जाता है, चार्ज फ्रेम होता है। तो कत्ले अंग आपने हमेशा देखा होगा चार्ज 302D में लगता है, 302D कत्ले अंग लायबल टू ताजीर जिसको हम कहें। लेकिन जरा गौर कीजिएगा बी से पहले ए भी तो है ना, बड़ा ऑब्वियस है। 302B पे हम जंप क्यों करें, 302A पे क्यों रुकें, क्यों नहीं देखें, क्यों नहीं? तो 302A है क्या, हम 302B पे क्यों जंप करके चले जाते हैं कोर्स, ए पे क्यों नहीं पहले देखते कि ए है क्या और ए में नहीं आना चाहिए? इस पे वापस आएंगे, पहले मैं लीगल एस्पेक्ट करना चाहूंगा। अब देखें जो रेड अंडरलाइन किया गोल्ड किया, पनिश्ड विद डेथ एज कसास। हम तजीर की तरफ जाएं किसास की तरफ ना जाएं, इसके पीछे क्या है, ऑब्वियस चीज है, केस लॉज इसके ऊपर मौजूद है, तज़कियतुश शुहूद जिसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रैक्टिस कोर्ट में यही है कि किसास के लिए तज़कियतुश शुहूद जो है उसका क्राइटेरिया विटनेसेस में चूंकि नहीं होता, तो लायबल टू तजीर में फिर 302B में कोर्ट चार्ज करती हैं एविडेंस लिखने के बाद जो भी एक्विटल कन्विक्शन की। लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे होगा कि तज़कियतुश शुहूद जो है उसका क्राइटेरिया मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, जो यंगस्टर्स हैं वो तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो साथ साथ चलें, माशाल्लाह सीनियर्स हैं वो। तो 302A इसके लिए केसेस हैं, वो पहले मैं बता रहा हूँ ताकि वो कोई कंक्लूजन पे ना पहुंचे कि ये बातें कर रहे हैं वो तो केस लॉ भी इसके ऊपर, इसलिए मैंने पहले सबसे कह दिया कि केस लॉ हैं इसके ऊपर काफी, 5-10 तो मैंने पढ़े। सुप्रीम कोर्ट का व्यू इसके ऊपर फॉर दिस टाइम आज तक के लिए है कि कत्ल के केसेस में तज़कियतुश शुहूद की क्राइटेरिया चूंकि जो विटनेसेस में वो जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं पूरी उतरती, लिहाजा तज़ीर में ही उसको सजा दी जाएगी। और तज़ीर में आप देखेंगे उसमें भी डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डेथ है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना फर्क वाकई नहीं हो रहा क्योंकि दोनों में डेथ है, उसमें भी डेथ है, इसमें भी डेथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एक और ऑप्शन है कोर्ट के पास के देखते हुए एविडेंस को वो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, लेकिन डेथ है। एक फर्क तो ये चले आ गया कि वहां सिर्फ एक ऑप्शन है डेथ, साबित होता है, प्रूव होता है डेथ, अदरवाइज एक्विटल। यहां पे क्या ऑप्शन है, डेथ साबित होता है अगर, और अगर थोड़ा सा डाउट है जिसमें एक्विट होना चाहिए, एज पर मी एक्विट होना चाहिए, वहां पे क्या है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए, या बाकी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो है वो भी इसमें शामिल कर रहे। अब तज़कियतुश शुहूद पे हम आ जाते हैं, इसके लिए तज़कियतुश शुहूद स्टैट्यूटरी प्रोवाइडेड है भी कि नहीं, यानी 302A के लिए कहीं प्रोवाइडेड है? जब मैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट अब
देखें सेक्शन 304, एक सेक्शन बीच में छोड़ के 303, 304 आगे दे दिया गया कि प्रूव क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चाहिए, कब प्रूव होगा कत्ले अम लायबल टू किसास। दो सूरतें हैं, एक कन्फेशन है, वॉलेंट्री ट्रू कन्फेशन, ये आप लोग जानते होंगे, वॉलेंट्री, कोई उसमें उसको लालच ना दिया जाए कि तुम्हें कम सजा दे देंगे, अच्छा जरा कन्फेशन कर लो तो सजा हो सकता है को कम मिल जाए, वो वॉलेंट्री नहीं होगा, उसको कोई लालच, उसको कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है तभी वो कर। उसके बाद क्या ट्रू कन्फेशन, वो सही मानों में कन्फेशन, वो ऐसे ना कर दिया। आपने देखा होगा मुमताज कादरी वाले केस में, वो उसको उस दिन कन्फेशन कर भी लेते हैं, देन भी उसको सजा कोर्ट ने स्टेट वे नहीं दी थी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि एज पर व्यू ऑफ दैट कोर्ट वो ट्रू कन्फेशन है। उसके बाद जो बी ये है, ये हमारे से ज्यादा रिलेटेड है इस मामले, वो क्या है, बाय द एविडेंस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17। मतलब ये कि 304 रेफर कर रहा है आर्टिकल 3, आर्टिकल 17 कानून शासन ऑर्डर की तरह। इस 30A का बी का नटशेल मैं बता दूं दोबारा, और आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 17। 302A कहता है कि कत्ले अम जो होगा वो लायबल टू किसास होगा। 304 क्या कहता है कि उसका प्रूफ कब होगा, जब या तो वो ट्रू वॉलेंटरी कन्फेशन करे, या फिर ये हो कि आर्टिकल 17 में जो क्राइटेरिया दिया गया है, जो एविडेंस का दिया गया है, वो हम आर्टिकल 17 आगे हम देखेंगे कि आर्टिकल 17 कहां में लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 17 नंबर एंड कॉम्पिटेंस। अब हम ये देखेंगे इस हवाले से, यानी 304 के कॉन्टेक्स्ट के साथ, कि नंबर ऑफ विटनेसेस कितने हो और कॉम्पिटेंस विटनेसेस की क्या हो, क्वालिफिकेशन क्या होगी विटनेसेस की, कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि किसास कत्ले अम लायबल टू किसास साबित हुआ या नहीं हुआ। आर्टिकल 17 इसी के लिए नहीं, अदरवाइज भी एक जनरल लॉ भी। रेड आप देखेंगे, इन एनी केस शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन कुरान, ऑल कुरान एंड सुन्नत। कुरान पाक में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हदीस मुबारका हमें जो मिले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें जो चीज़ें मिले, उससे हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि विटनेसेस की तादाद कितनी होनी चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए किसास के लिए। मेरे नॉलेज के मुताबिक आप इंडोर्स करेंगे, कुरान पाक में नंबर ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेसेस फॉर किसास किसी जगह नहीं। पीछे एक आयत मुबारका मैंने वो कोट किया, उसके वापस जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ विटनेसेस और कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेसेस वहाँ उस हवाले से, वहाँ या एक सूरह मायदा में भी आती किसास के हवाले से, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं कहेंगे, हदीस से बार की तरफ आ जाते हैं, सूरह सस्म की सुन्नत। जामिया तिर्मिजी में हदीस से बार का है कि दो विटनेसेस काफी होते हैं किसास को इम्पोज करें, दो गवाह। और उस हदीस से बार का में कहीं भी तज़किरा शुद का तज़किरा नहीं है, और जहां तक मेरा नॉलेज है, और आप में से अगर कोई इस हवाले से बात में कमेंट देना चाहे या कोई करना चाहे, आई विल वेलकम इट, कि जो तज़किरतु शुहूद है ये फिका में एक टर्मिनोलॉजी है, जो है तज़किरतु शुहूद फिका में, बाद में जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे उन्होंने एक ये टर्मिनोलॉजी ये इंट्रोड्यूस करवाई कि विटनेसेस जो हैं किसी केस में उसमें उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो उन्होंने तज़किरतु शुहूद का एक कॉन्सेप्ट दिया
वो मुख्तसर, ये काफ़ी तो आपको पता ही होगा यकीन, कि एक इंक्वायरी कोर्ट करेगी कि ये विटनेसेस जो है इन्होंने पहले कोई कबायर सगायर से बचे हुए हैं, कबायर से, और यानी करेक्टर, आसान लफ्जों में करेक्टर इनका ऐसा है कि ये वर्दी ऑफ क्रेडेंस हो, ट्रुथफुल विटनेसेस, जैसे वहाँ पे शुफा में आपने देखा होगा सेक्शन 13 में कि ट्रुथफुल का वर्ड यूज हुआ, तो ट्रुथफुल समझने की एक लूज सी एक डेफिनेशन है इसके लिए, जो तज़किया फ़ी शुहूद का जो एक टर्मिनोलॉजी है। अब तज़किया फ़ी शुहूद का तज़किरा ना कुरान पाक में है, ना हदीस मुबारका में है, सुन्नत में भी नहीं है। अब आगे हम चलते कि चलो ऊपर वाला जो पोर्शन है आर्टिकल 17 का, ये तो हमें ये कह रहा है कि जामे तिर्मिज़ी की एक हदीस मुबारका के मुताबिक दो गवाह चाहिए, दो गवाह, और जब ज़ाहिर इस्लाम ने जब ये कहा कि दो गवाह, तो उसका मतलब ट्रुथफुल है, सच्ची है, लेकिन जो इंक्वायरी और तज़किया फ़ी शुहूद का जो कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिक्टली हम अप्लाई करेंगे वो तो नहीं है, सच्चे तो यकीन हो गए, सच्चा तो हर लॉ ये कहता है, रोमन लॉ, ग्रीक लॉ, जितने भी लॉज हैं, इंग्लिश लॉ, सारे ये कहेंगे वाकू होना ही सच्चा चाहिए, झूठा गवाह तो कैसे उसको बिलीव हम कर सकते हैं, तो गवाह तो सच्चा ही हो, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी के वो उसका वो पूरा इंक्वायरी की जाए, फिर उसका पूरा पैमाना उसका देखा जाए कि वो उसके ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता, ये ना कुरान पाक में मिलता है ना हदीस मुबारका में। आगे बढ़ते हैं, बाकी वो जरूरत नहीं है, मैटर पर टेंड फाइनेंशियल फ्यूचर ऑब्लिगेशन, वो इस मैटर से रिलेटेड नहीं है, वो सिविल मैटर्स में स्पेशल इफेक्ट में आप देखते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, चूंकि दो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं, वो रिड्यूस इनटू राइटिंग है, दो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं, वो उसके लिए वो अटेस्ट करना जरूरी है उसको। आगे चलते हैं, इन ऑल अदर मैटर्स द कोर्ट मे एक्सेप्ट और एक्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन और वन वुमन और सच अदर एविडेंस एज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस मे वारंट, कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दे दी तमाम बाकी मैटर जितने भी हदूद लॉज और स्पेशल लॉज, ये इससे हटके बाकी मैटर्स में फाइनेंशियल मैटर्स, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, वो तो बता दिया ये दो गवाह की, बाकी तमाम जितने भी मैटर्स हैं सब मैटर्स में कोर्ट कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो कितने विटनेसेस के ऊपर जो है वो रिलाई करती है। अब इसको मैं कंक्लूड करता हूं इस सेंस में कि एज पर मी कि सास के लिए तज़किया फ़ी शुहूद का क्राइटेरिया एज पर आर्टिकल 17, उससे पीछे जाएं जो रेफर करता है आर्टिकल 17 की तरफ, सेक्शन 304 प्रोवाइडेड नहीं है, फिका में है, कुरान सुन्ना में नहीं है, आर्टिकल 17 में कहीं तज़किरा नहीं है। अब देखते हैं कि लेजिस्लेचर्स हैं उनकी इंटेंशन हो सकती है इसमें, आगे बढ़ने तज़किया फ़ी शुहूद का तज़किरा बिल्कुल मौजूद है लॉज में, किसके लिए, लेकिन ड्रिंकिंग लायबल टू हर, थेफ्ट लायबल टू हर, ज़िना लायबल टू हर, कज़फ लायबल टू हर, वहां पे मौजूद है, उस लॉ में दे दिया गया। अगर लेजिस्लेचर्स की इंटेंशन ये होती तज़किया फ़ी शुहूद वाले क्राइटेरिया की, तो फिर वो सेक्शन 304 में दे देते या आगे आर्टिकल 17 में दे देते, नहीं दिया, किन केसेस में दिया, ड्रिंकिंग, थेफ्ट, ज़िना, कज़फ, प्रिहिबिशन ऑर्डर में दे दिया, सेक्शन आर्टिकल 9 में, प्रिहिबिशन ऑर्डर का आर्टिकल 9 उसमें दे दिया, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद 1979 सेक्शन 7 वो दे दिया, सेक्शन 8 ज़िना ऑर्डिनेंस का, कज़फ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 6 उसमें बकायदा दे दिया, विटनेसेस की तादाद दे दी, तज़किया फ़ी शुहूद का तज़किरा कर दिया। तो इसका मतलब ये
कि लेजिस्लेचर्स की इंटेंशन एज पर मी नहीं थी कि तज़किरा तो शुरूत को किया था। उसके पीछे आप एक नोट करेंगे चीज, ये मेरी परसेप्शन है, ये जो ऑफेंसेस हैं ड्रिंकिंग थेफ्ट ज़िना कसम, इनकी नोयत जरा अंदाजा करें, नोयत इतनी ऑब्वियस नहीं है, अपरेंट नहीं, मतलब किसी ने ड्रिंकिंग की है, और ये जो ड्रिंकिंग है ये पब्लिक प्लेस में, जो पाकिस्तान में ये लॉ तो है पब्लिक प्लेस में, और इस्लाम भी इस चीज को वो नापसंद कर, किसी के घर में घुस के देखो कि वो इन में से कोई ऑफेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पब्लिक प्लेस में ड्रिंकिंग के बारे में। अब देखिए जिना जो है और कज़फ, परसेप्शन मेरी कह लें थोड़ी मैं लिमिट करता हूँ, दो ऑफेंसेस जिना और दूसरा है थेफ्ट। उसमें इतना ऑब्वियस थेफ्ट तो है कि जो कोई देखना रहा उसने चोरी छुपके से ली चीज और भाग गया, तो इस हवाले से स्ट्रिक्ट कर दिया, प्रूफ करने को स्ट्रिक्ट कर दिया, क्वालिफाई कर दिया तज़किरा शुद्ध के साथ कि वो गलत एलिगेशन के ऊपर सजा ना हो। जना भी इसी तरह है, वो पल्ली तो कोई नहीं करेगा ना, तो इसलिए कोई बंदा उठ के कह दे जी फलां बंदा मैंने देखा था ये जना को, तो दो कह रहे तो वो उसको सजा तो नहीं होगा, नोयत ऐसी है जुर्म। तो इसलिए लेजिस्लेचर ने जब लेजिस्लेट किया इसके पीनल सेक्शंस को, तो साथ में उन्होंने प्रूफ का भी बता दिया तज़किरा शुद्ध। अब देखें हम पीछे जाते हैं जरा, कत्ले अम लायबल टू कसास और तज़ीर में फर्क क्या है? एक में तो है ही डेथ सेंटेंस और दूसरे में है डेथ के साथ साथ लाइफ इंप्रिजनमेंट, और देखा जाए तो कोर्ट जाहिर देखती हैं उसमें कि अगर तो एस्टेब्लिश हो रहा है बिल्कुल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन ऑफ डाउट तो कन्विक्शन, और मतलब ये कि ताजीर में और किसास में चार्ज फ्रेम करने से या वो करने से प्रैक्टिकली इतना फर्क वाकई नहीं होता, लेकिन हर्ट को ले, हर्ट में तो बहुत फर्क वाकई, हर्ट में अब किसास जो है वो वापस लौट, वापस जो अरेबिक है कहते, तो हम ये देख लें कि किसास के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म किस अंदाज में और किस असलूब में किन अल्फाज में दिया, तो कुतबा का वर्ड यूज किया, कुतबा ये वही अल्फाज हैं जो सयाम के लिए और किताल के लिए इस्तेमाल, या युदा जीना अमन कुतबा अलैकुम सयाम, या युदा जीना अमन कुतबा अलैकुम किताल, या युदा जीना अमन कुतबा अलैकुम किसास, किसास फर्ज कर दिया, कुतबा जो वर्ड है वो है प्रोवाइड कर दिया, फर्ज कर दिया, यानी उससे कोई आगे जस्टिफिकेशन नहीं है हम दे सकेंगे, हम मुसलमान एक चलते चलते मैं अपना एक व्यू इस हवाले से ये देखें, या युहन्नास या युल्ला जीना आमन, पुराने पाक में खिताब दो तरह से, या युहन्नास या युल्ला जीना, या युहन्नास जहां पे खिताब है वो जनरल पूरी बनी हुई इंसान, ये मोमनों को नहीं है, एक तफसीर में ये समझा जाता है कि ईमान वालों या ए मोमनों, ये मुसलमानों से खिताब, और इसकी प्रॉपर जो तफसीर मुझे बड़ी पसंद है मैंने देखी थी, ए लोगों जो ईमान लाए हो, लोगों जो ईमान लाए हो, और इसको उन्होंने फोर्टिफाई अपनी इस जो जो आइडिया को इस तरह किया कि पुराने पाक में एक आयत है उसका तर्जमा है, एक आयत है पूरी मुझे याद नहीं, या अय्युल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, आगे बाकी है रसूल पर, तो यहां तो आप देखेंगे अगर इससे मुराद ये हो कि मोमनों या ईमान वालों, तो फिर दोबारा उसको रिपीट करने का क्या बनता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह ये ईमान है जो दिली ईमान,
ये जो खिताब है ये तमाम मुसलमानों जो ईमान लेकर आए वो सच्चा हो, कितना हो, उसकी क्वांटिटी क्या हो, और ये आप सबको है इसके हवाले से दो थॉट्स हैं। एक है कि जो मामलों को निफरम तुलाला उन्होंने दिया हुआ कि ईमान ना घटता है ना बढ़ता है, एक स्टेशनरी चीज है जो रुकी रहती है, वो बढ़ता भी नहीं है कम भी नहीं होता। और एक व्यू उसके अगेंस्ट इमाम बुखारी जो है उन्होंने अपना व्यू भी दिया, वो मुकद्दस है बेसिकली, लेकिन वो एक स्कॉलर भी है, उनका भी और बहुत सारे मौलवी इब्ने तैमिया का भी बहुत सारे, उनका व्यू ये कि ईमान कम भी होता है ज्यादा भी होता है। और कुरान पाक में एक आयत का मफहूम भी है और गालिबन ये जंगे बदर के वाले से कि इससे इन लोगों का ईमान बढ़ गया, उस कुरान पाक की आयत से पता चलता है कि ईमान बढ़ता भी है कम भी हो जाता है। ये हम सब ने नोट किया होगा, अच्छी महफिल में बैठे हैं, अच्छे मामला डिस्कस हो रहे हो, कुरान पाक की तिलावत करें, हम पढ़ के तर्जमे के साथ तफसीर देखें सारा अपना उस पर गौर फिक्र करें, ईमान लगता है बढ़ रहा है, लेकिन उसके वाइस वर्सा हो तो लगता है कि कुछ चीज कम हो रही। तो अल्लाह ने ईमान वालों को, जो लोग ईमान लाए हैं हम साथ, हमें ये कहा कि किसास तुम पे फर्ज कर दिया गया, और उसके पीछे लॉजिक क्या दिया, वलकुम फिल किसास हया तीन जा, इस किसास में ही तुम्हारे लिए जिंदगी है, ऐ लोगों जो शऊर रखते हो, अगर शऊर रखते हो तो तुम नोट करोगे कि इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है किसास में। थोड़ी अजीब बात लगी, किसास का मतलब ये है कि बंदे ने कत्ल किया उसको कत्ल कर दो तो जिंदगी कहां से आ गई, देखें जिंदगी कैसे, कत्ल हो गया मुल्जम लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया जी, चल एजी मोर अदरवाइज उसमें डेथ नहीं होती तो क्या होगा, 7-8-9 साल बाद 10 साल बाद रिहा हो जाए, तो जिसका कत्ल हुआ है वो फिर क्या कहेगा, नहीं पूरा नहीं हुआ, इक्वेलिटी नहीं हुई, कत्ल कर दो। और इसका एक जाविया देख लें, मुझे कोई शख्स बुरा लगे मैं कहूँ यार इसको कत्ल कर दो, लेकिन नहीं, मुझे पता होगा कि सास कत्ल के बदले मैं भी कत्ल हो जाऊंगा, मैं कत्ल करूंगा नहीं, एक जिंदगी बच जाएगी, ज्यादा जिंदगी बच जाएंगी, इस तरह जिंदगी अल्लाह ताला कह रहा है कि ये इसी में तुम्हारे लिए जिंदगी है। अब देखें वो बात, मैं पीछे जाता हूं कि ताजीर हो या किसास हो प्रैक्टिकली इतना फर्क वाकई नहीं हो रहा, हो तो रहा है उसमें एक ऑप्शन आ गई लाइफ इंप्रिजनमेंट वाली उसमें, लेकिन हर्ट में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। आगे देखें मसाल के तौर, एक शख्स किसी का कह लें आंख है, हमारी बॉडी में सबसे मेरी नजर में जो ऑर्गन है हाथ पांव, एक हाथ को काट दे दूसरे से हम कैन यूज इट, टांग एक से जो भी, आंखें एक शख्स दूसरे की आंखें निकाल देता है इतला बेहूज, ताजीर क्या सजा दे रही है अर्श, और उसके बाद क्या दे रही है आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स एज ताजीर, 10 साल तक मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 जो ट्राई करते हैं ज्यादा भी जंप लगाए मैं कहूंगा तो क्या करेंगे, 7 साल तक सजा होगी। और काउंट होके वो जेनरोसिटी जो सदरे पाकिस्तान दो तीन काम करते हैं, बल्कि किसी ने कहा कि एक तो वो खिताब करते हैं पार्लियामेंट से जॉइंट सेशन में, एक वो काम करते हैं कि इंडिपेंडेंस डे को एक वहां भी एक खिताब होता है, और तीसरी चीज मुझे पता नहीं वो तीसरा अनुभव एक है कि वो जब
कोई खास दिन आते हैं तो वो उसमें जो प्रिजनर्स हैं उनको उनकी सजा कम करते माफ करते हैं, तो वो करते करते कटौती होते होते 7 साल है तो 3-5 साल में चले वो रिलीज हो जाएगा। इमेजिन करें एक शख्स है, वेल ऑफ फैमिली है, अकलौता बेटा है, वेल ऑफ फैमिली है, ऐश भी उसको इतना मैटर नहीं करती, उसके बेटे की वो आंखें निकालो, सास का मतलब इक्वेलिटी है ना, और इससे कोई भी दुनिया का लॉ, महज़ दुनिया का कोई कानून इससे कॉन्फ्लिक्ट करता नहीं, इक्वेलिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वेलिटी है ना। उसके बेटे की वो आंखें निकाल दे, उसको क्या, अच्छा जी सजा ये हुई है कि एरिश है कितने परसेंट दियत के, ये ले लें पैसों में इतने लाख रुपए ले लेना, और ये है कि 7 साल सजा होगी और क्या होगा कुछ अरसे बाद, कुछ 5-6 साल बाद वो बंदा रिलीज होके वापस आ जाए। एक ही बेटा उसकी आंखें निकाल दी जाए, ये इक्वेलिटी होगी ये सजा देने से? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करेगा फिर, खुद बदला लेने की कोशिश करेगा, अगर इफ ही कैन, अगर उसमें इस्तात है तो फिर बदला लेने की कोशिश करेगा, मार देगा या उसकी भी आंखें निकालने की कोशिश करेगा। तो लॉजिक अब जहन में आया होगा कि ए शोर वालो, अगर बात इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है किसास में, वापस जाने ये बस बस 3042 the provision of subsection 1 shall mutatis mutandis apply to her liable to kisas। जो provisions यानी आगे article 17 का की तरफ जो refer किया गया है, या जो आगे article 17 में जो प्रूफ का, नंबर ऑफ विटनेसेस का, कॉम्पिटेंस का हवाला दिया गया है, वो ऐसे ही एप्लीकेबल होगा हर्ट केसेस के लिए जैसे के मर्डर के लिए, कत्ल के केसेस के लिए है एप्लीकेबल। तो इस लीगल जो इश्यू है ये वाला किसास के वाले, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। एज पर माई कंसेप्शन, एज पर माई व्यू, कत्ले अम लायबल टू किसास या कत्ले अम लायबल टू हर्ट के लिए तज़किरतु शुहूद का क्राइटेरिया कहीं स्टैट्यूटरीली प्रोवाइडेड नहीं। केस लॉज में है, सुप्रीम कोर्ट की साइटेशंस हैं, हाई कोर्ट की साइटेशन है, वी आर बाउंड बाय दैट, हम बाउंड, हमारे ऊपर बाइंडिंग है क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया गया, क्वेश्चन ऑफ लॉ आर्टिकल 304 को डिस्कस किया गया वहां पे, सेक्शन 304 को, आर्टिकल 17 को वहां डिस्कस किया गया। तो इनको डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दी है, इसलिए हम पर बाइंडिंग है। लेकिन एकेडेमिकली मैं ये कहूँगा कि ये इसके तज़किरतुश्शुहूद का जो क्राइटेरिया है, जो इंक्वायरी है, वो एप्लीकेबल नहीं है। अब आगे चलें, देखें कि चलें, मान लिया एक और जो 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 गलत प्रैक्टिस है, वो तो आप में से शायद कोई भी इससे डिसएग्री ना करे, मान लिया कि 30A के लिए तज़किरतुश्शुहूद है, बी के लिए तज़हीर के लिए बी है, तो हम जंप क्यों करके बी पे जाते हैं, ए पे पहले क्यों जाते हैं, तज़किरतुश्शुहूद की इंक्वायरी क्यों नहीं करते, किसी कोर्ट में मैंने नहीं देखा, मे बी पास्ट में हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं कह रहा। तज़किरतुश्शुहूद की इंक्वायरी कभी मर्डर केसेस में नो लीगली रिक्वायर्ड नहीं, 302 नहीं कर सकती, नहीं नहीं। ये देखें, ए से हम जंप करके बी पे जाते हैं, ए पे क्यों नहीं रहते, ये इंक्वायरी हम क्यों नहीं करते, और इंक्वायरी करने के बाद अगर हमें ये लगता है कि तज़किरतुश्शुहूद के क्राइटेरिया पे उस म्यार पे गवाह पूरे नहीं उतरते, देन
हम आगे क्यों नहीं बढ़ते और फिर ताजीर में आगे प्रोसीड करते सजा देते। चार्ज भी 302B में फ्रेम होता है, एविडेंस भी स्टेट वे ताजीर वाली और चलते। इसका मतलब ये कि हम सेक्शन 302 और अब देखते हैं यहाँ पे नीचे, इफ द प्रूफ इन आइदर ऑफ द फॉर्म स्पेसिफाइड इन सेक्शन 304 इज नॉट अवेलेबल, अगर 304 का क्राइटेरिया हमें नहीं मिलता देन ताजीर में सजा होगी ये वाली, देन होगी। लेकिन हम देखें तो सिर्फ पहले हो भी जाएगी नहीं हो, इसलिए ये कि ये प्रैक्टिस जो है एज पर मी ये गलत है, इरेगुलर प्रैक्टिस है, इलीगल नहीं कह सकते, इरेगुलर प्रैक्टिस है। ट्रायल को डेफिनेटली विशिएट नहीं करेंगे, इरेगुलर इरेगुलरिटी है। चार्ज विशिएट होगा जब इलीगल कोई हम करेंगे उसमें प्रोसीडिंग्स, लेकिन इरेगुलर प्रैक्टिस है कि विदाउट गोइंग टू किसास ए हम जंप करके बी पे चले गए। इस इश्यूज के ऊपर कोई कमेंट करना चाहे, कोई क्वेश्चन है तो आई विल वेलकम। जैसे ममताज कादरी का हवाला आपने दिया कि उसमें कन्फेशन था, तो कन्फेशन के अलावा कोर्ट में नहीं, पहले तो ये है कि कोर्ट ने ये देखना है कि ट्रू और वॉलेंट्री कन्फेशन है भी कि नहीं है। अगर ट्रू और वॉलेंट्री नहीं है, उसमें कोई इंसेंटिव कि उसको कोई दिया गया है, या वो समझता हो कोर्ट ये समझे कि ये खुद से समझ रहा है कि मुझे शायद लीनियंट व्यू कोर्ट ले लेगी, फिर वो कन्फेशन कर रहा है, तो वो फिर इसके लिए किसास के लिए एप्लीकेबल फिर नहीं होगा। अगर वो इंडिपेंडेंट माइंड से बिल्कुल बगैर किसी इंसेंटिव जहन में लिए, कोई लालच जहन में लिए, या कोई कोर्स कोई उसके कोई प्रोबेबिलिटी तो बल्कि पॉसिबिलिटी कहना चाहिए बिल्कुल भी नहीं है, कोर्ट उसको प्रेशराइज करके तुम कन्फेशन करो, या कोई और फोरम कोई और अथॉरिटी कोई और शख्स उसको कन्फेस करवाने के लिए करे, लेकिन जब होगा ट्रू होगा और उसके बाद ये कि वॉलेंटरी होगा देन कोर्ट करेगी। ट्रू और वॉलेंटरी होगा देन किसास है, फिर लीनियंट व्यू इस्लाम में नहीं है, ना इस सेक्शन 304 में। वो जो लीनियंट व्यू लेने वाला एक कॉन्सेप्ट है वो तो मैन मेड है ना, हमारा ये है इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ हमने इनहेरिट किया। तो अभी भी आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा नोटिस करें देखें तो वेस्ट में ब्रिटेन यूएसए में वहाँ पे बहुत कम केसेस ट्राई होते हैं, खास तौर पे जो छोटे मोटे केसेस हैं थेफ्ट के इस तरह के और जो मामले आते हैं असॉल्ट के, वो वहाँ पे ट्रायल नहीं होते, सिंपली वो कन्फेस कर देते हैं और कोर्ट नहीं है इसको देखने वहाँ। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी को कत्ल कर दें और कत्ल करने के बाद कहें कि मैं कन्फेस कर दूँ, लिहाजा यूनिट भी लेके मुझे किसास नहीं, मुझे थोड़ी सजा दें। हमारे सेम मतलब कोर्ट हाई कोर्ट का हम पे बाइंडिंग होगा हम पंजाब में, और दूसरा सिंध कोर्ट का हम पे व्यू जो है हम पे परसुएसिव होगा, तो सेम हमारे मुल्क के अंदर सर मतलब अभी लास्ट टाइम केस चल रहा था नवाज शरीफ, तो सेम करप्शन का मामला था अभी एक फॉरेन कंट्री में, इसी तरह का ही एक मामला चल रहा था, उसमें भी इसी तरह का था, उन्होंने मतलब कन्विक्ट कर दिया, तो मतलब उनका जो फैसला है जो हमारे मतलब उधर सुप्रीम कोर्ट है, मतलब वो कैसा होगा मतलब। देखिए आपने नोट किया होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लीगल डिस्कशन आजकल तो काफ़ी एक हो गया है कि टॉक शो जो टीवी में आते हैं काफ़ी हद तक हमें थोड़ा वो अपडेट रखते हैं जो मामला चल रहे हैं कोर्ट्स में। तो आपने देखा होगा कि अक्सर हवाले दिए जाते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के भी, यूएसए सुप्रीम कोर्ट के भी, और जो बाकी ज्यूरिसडिक्शन फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट्स के हवाले मिलते भी हैं, ऑर्डर्स में भी मिलते हैं। ये कहीं पे भी आपको ये इंप्रेशन भी नहीं मिलेगा कि वो कोर्ट ये समझ के वो उसके उसको रेफर करी कि वो बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है, परसुएसिव है। एक आइडिया आया ना कोई भी, सपोज आप एक आइडिया फ्लोट करें कि ये मेरा नुक्ता नजर है और लॉजिकल आइडिया हो, तो
तो क्या मैं उससे डिसएग्री कर दूंगा स्टेट में? नहीं, लॉजिकल है, अगर तो मैं उसको करूंगा, अगर मेरी नजर में भी लॉजिकल है तो मैं उसको नहीं, आई विल डिस्कार्ड इट। लेकिन अगर आपका आइडिया लॉजिकल है तो मैं तो उसको कहूंगा, और मैं ये तो नहीं कि मैं इनोवेटिव बनने के लिए कहूंगा अच्छा नहीं ये आइडिया होता रहे लॉजिकल, मैं तो इसको नहीं मानता। तो कोर्ट्स की भी प्रैक्टिस ये है कि जो फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन के भी जो ऑर्डर्स हैं, कोर्ट्स ऑफ फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन के भी जो ऑर्डर्स हैं लॉजिकल हों तो कोर्ट उनको कंसिडर करती है, उनके मुताबिक भी अपने जजमेंट्स में वो उनको कंसिडर करते हुए डिस्कस भी किया। सर आपने मतलब एक फर्क किया कि किसी जगह पे ना औरत ज्यादा मतलब पावरफुल लग रही है और किसी जगह पे मर्द ज्यादा, और कुछ ऐसे मुकाम भी हैं कि मर्द औरत दे भी नहीं सकती बिल्कुल। ये थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ज हो जाएगा और थोड़ा सा इसमें वो एक कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें हैं जो सोप और मैं लफज यूज़ किया मैं कहूँगा कि जो मॉडरेट्स कहेंगे या जो इनलाइटेंड इस्लाम का नारा लगाते हैं लोग और मोस्टली एनजीओज स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो जी औरत की और मर्द की गवाही में क्यों फ़र्क है, औरत की वो जो ना आधी गवाही, और मेरे ख्याल में किसी की बुक भी है आधी शहादत, किसी ने बुक भी लिखी किसी कारकुन ने ना पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आधी शहादत आधी गवाही किस तरह का नाम। ये देखें कुरान पाक में और या इस्लाम में जो जो लॉजिक पीछे है इस चीज़ के वो जो उसमें है आर्टिकल 17 में है वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन के वाले आपने देखा होगा फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन, उसके पीछे लॉजिक देखें क्या लॉजिक उसके पीछे ये है फ्यूचर ऑब्लिगेशन जब होंगी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होंगी उसमें लाभ हाला क्या है लेन देन के मामला में देने के मामला में। तो औरतें आपको पता है इस्लाम में तो औरत को है कि वो अपने जो है वो एक जिस कहते हैं ना कि सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस है, औरतें एक कह लें कि अगर एक इस्लामिक स्कॉलर थे बड़ी जबरदस्त ने बात की कि एक बहुत बड़ा पर्दा हायल है सोसाइटी में, एक साइड पे औरतें हैं दूसरी साइड पे मर्द, सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस इस्लाम की टू स्पिरिट ये है। तो वो औरत जो जो शी सपोज टू रिमेन इन हर हाउस या ये कि जो अपने जो प्रोफेशनल भी जो मामला हैं उसके वो भी इस तरह से वो करे कि उसका इंटरेक्शन मेल से कम हो और अगर हो भी तो वो भी पर्दे के मामला तो आपको तो करें तो उससे तवक्को नहीं रखते कि वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में जो कारोबारी मामला में वो तो उस तरीके से इन टच होगी या उस तरीके से मौजूद होगी कि वो एविडेंस दे सके उस चीज़ की उस इशू की शहादत दे सके। तो इसलिए वो कर दिया गया एज पर मी के दो औरतों की और एक मर्द की एविडेंस को इक्वलाइज कर दिया, ये मेरा बाकी किसी मामला कसास में तो नहीं है कहीं, ये सिर्फ फ्यूचर और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में है, किसी जगह नहीं है। किसी और मामले में एक औरत बंदे की गवाही काफी है दो औरतों की बराबर होगी, लोग मर्द की औरत की गवाही बराबर है हर जगह बराबर, सिर्फ इस इशू में माली मामलात में ये थोड़ा फर्क रखा गया उसके पीछे लॉजिक भी नहीं। ये आपने अपने लेक्चर में ये फरमाया तीन से दो के हवाले से जो हमारा थ्री क्लॉज है इसमें हम जंप कर कर यानी कि टू क्लॉज बी में चले जाते हैं, बी में चार्ज फ्रेम करते हैं, उसकी वजह थोड़ी सी आपने तौजीह भी फरमाई कि तज़कियत शहूद के हवाले से इंक्वायरी ना करना, तज़कियत शहूद के मुताबिक जो उस मतलब मियार पर गवाहों का पूरा ना उतरना, इसे ब्लाइंडली हम जो क्लास बी पर चले जाते हैं। आपने जो वजाहत फरमाई कि एक तो कुरान के अंदर तज़कियत शहूद का नहीं तहरीर नहीं फरमाया गया, तफसील नहीं है, वाज़ह कुरानी नस मौजूद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा
दीन का प्रिवेलिंग इस्लामिक सिस्टम रहा है उसमें ट्रुथफुल विटनेस जो हैं तज़किया तो शहूद के मियार पर पूरे उतरने वाले उस सिस्टम की वजह से होते हैं। तो इसमें हद की जो कैम की गई है, सजा कैम की गई है, हिकमत ये भी तो मुमकिन है, हो सकती है कि इस्लाम का एक जो ये पनिशमेंट का जो एक खैर देने का मकसद सोसाइटी को उसके अंदर मतलब है इर्तका को और इस उसको कैम रखना है, उसमें यानी कि ये तमाम जो सजाएं हैं ये देना मकसूद नहीं है, बल्कि उसके ज़रिए से एक जहन साइकोलॉजिकली तौर पर उसे डरा कर उस सोसाइटी के अंदर इस तमाम इन अमाल से बचाना मकसूद हो। लेकिन इज्तिहाद के हवाले से जो मतलब है ये तज़किया शहूद के हवाले से बात आती है, इस पर तो हमारे सिस्टम पर आता है हर्फ कि इस सिस्टम में वो गवाह मौजूद नहीं होते, उस मियार पर पूरे नहीं उतरते। तो इसलिए बजाय इसके इसलिए हम इंक्वायर भी नहीं करना चाहते, क्लास ए में जाकर बी में ही ब्लाइंडली चले जाते हैं और चार्ज फ्रेम कर देते हैं। अगर सिस्टम की दुरुस्तगी हो जाती तो उस वक्त मुमकिन है इसके लिए जो ट्रुथफुल विटनेस तज़किया शहूद की बुनियाद पर पूरे उतरते हों तो वो मियार भी कायम हो जाएगा, तो वो सजाएं देना तो मकसूद नहीं है। मैं जितना समझ सका हूं आपका कमेंट जाहिर है ज्यादा हिस्सा कमेंट का है ज्यादा देन क्वेश्चन। देखिए कुरान पाक में रेपिटेशन है थोड़ी लेकिन बड़ा रखें, कुरान पाक में कॉम्पिटेंस और नंबर ऑफ विटनेसेस फॉर किसास तज़किरा नहीं है। कुरान पाक में किसास को डेफिनेटली टच किया, ये भी आयम बारका मैंने जो यहाँ पे आपके या युदजीना मन कुतिबा लेकिन किताब एक जगह सूरह मायदा में भी आता है आयत नंबर मेरे ख्याल 45 है जिसमें ये वो आगे बल्कि सॉरी वो उस हवाले से मुझे आगे जाना ये चीज के नहीं पीछे हाँ वही इस हवाले से भी डिस्कस हुआ के साथ इस आयत मुबारका में भी सूरह मायदा का और इसमें वही आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, ये है बड़ा वाजी। अब हर्ट में भी बता दिया नफ्स के बदले नफ्स यानी कतल, बाकी जो मामला थे वो हर्ट को कवर कर रहे। और रेफरेंस नो डाउट ये है कि बनी इसराइल में तुरात में ये था कि ये लॉ था कि सास का लॉ इनफैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तुरात में पहले बनी इसराइल में जो था वो यही था लॉ के किसास को कत्ल हुआ कत्ल उसके बदले कोई आंख के बदले आंख कान के बदले। इस हवाले से डिस्कस हुआ, नंबर ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेसेस के हवाले से डिस्कस नहीं हुआ। उस हवाले से अगर डिस्कस नहीं हुआ तो फिर तज़किया शुहूद कहां से आ गया? तज़किया शुहूद का आइडिया जो है वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो फिका में हमारे है, ट्रूथफुल विटनेस एक लूसी डेप इसकी इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और ट्रूथफुल विटनेस आप देख लें वहाँ पे क्या नाम है प्रेमशन में है, वहाँ तो हम तज़किया शुहूद की इनकारी नहीं ना करते तो स्ट्रेट वे वो तो ये है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट व्यू कोर्ट्स लेती हैं कि हम माइनर सी भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो कोर्ट की इंक्लिनेशन ये है कि वो उसको डाउन सूट कर देती हैं प्रेमशन में, लेकिन वो ना इंक्वायरी है ना वो है ट्रूथफुल का अगर हम देखें। बाकी रही बात वो इस्लाम में हो या इवन कोई भी रिलीजन हो, झूठे गवाह का तो बिलीव करना वैसे ही आउट ऑफ क्वेश्चन है, सच्चा गवाह होना चाहिए। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फॉर्मेलिटी की, फॉर्मेलिटी की। इससे बाद ये कहीं ना लीजिएगा कि मैं ये व्यू दे रहा हूँ कि एक झूठा सच्चा जैसा भी गवाह उसके ऊपर भी अगर दो गवाह आ जाए तो उसको सजाए मौत ही होनी चाहिए, नहीं सच्चा तो होना चाहिए, सच्चा तो कोई भी गवाह हो, इवन ये मनी मैटर्स हैं छोटे मोटे जो किसी सिविल नेचर के
इंजंक्शन के जो भी है उनमें भी गवाह सच्चा ही होगा तो बात बनेगी, झूठे गवाह से बात नहीं बनेगी। तो तज़कियतु शुहूद का जो इंट्रोड्यूस हुआ वो फिका में हुआ है, एज पर मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो इस तरह की इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसका पीछे बड़ा ऑब्वियस ही रीजन है कि उस दौर में अज्यूम ये किया जाता है कि जो गवाह है वो सच्चा ही है, तज़कियतु शुहूद के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के इस तरह ये 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 क्राइटेरिया होगा तभी वो सच्चा और तज़कियतु शुहूद के मुताबिक माना जाएगा, ये कहीं अब सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे लीगल इश्यू गिविंग फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस का हमारे जो प्रैक्टिस आजकल है परजरी जिसको भी दूसरे लफ्जों में कहते हैं उसके प्रोसिक्यूशन ना होने के बराबर बहुत कम। और बल्कि मैं सदाना साहब को कहूँगा कि एक टॉपिक में लेक्चर एक देना चाहूँगा इन फ्यूचर कभी कि वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन इफ दे आर इन्वॉल्व्ड दैट कम दैट मे कर्ब फॉल्स वो क्या बोलेंगे फॉल्स लिटिगेशन, ये ऐसी प्रोविजन जो जो कोर्ट्स इन्वॉल्व करें जिनको आप लोग लेकर आए कोर्ट्स में तो उनको इन्वॉल्व करने से फॉल्स लिटिगेशन जो है वो कम हो जाए, वो जो जो जिनको हम अब कहेंगे कि वो स्लीपिंग प्रोविजन लॉ बुक्स में मौजूद है लेकिन वो बस और जिस कहते हैं ताकि नसिया में वो उसी तरह ही वो एप्लीकेबल नहीं की जा रही, वो एक अलग से रखेंगे। एक मिसकंसेप्शन जो यहाँ डिस्कस किया जाएगा और फॉल्स एविडेंस के हवाले से उस मिसकंसेप्शन के हवाले से उसको आगे लेके जाऊँ वो ये है कि एक विटनेस किसी केस में पहले पास में किसी अदर केस में और बाद में किसी और केस में दो इंटायरली कॉन्ट्राडिक्टी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ये कॉन्ट्राडिक्शन वो वाली नहीं माइनर सी कॉन्ट्राडिक्शन जिससे इंटायरली बिल्कुल समर सॉल्ट हम जजमेंट्स में जो यूज करते हैं वर्ड कॉमनली समर सॉल्ट का जो बिल्कुल इसमें कोई शक है कि फॉल्स एविडेंस लेकिन अगर एक ही ट्रायल में करे एक ही एविडेंस में एक ही ट्रायल में वो दो इंटायरली कॉन्ट्राडिक्टी स्टेटमेंट दे दे बिल्कुल समर सॉल्व कर जाए एग्जामिनेशन चीफ में कुछ कहे बाद में कुछ कहे। फॉर एग्जांपल एक एक शख्स कहता है एग्जामिनेशन चीफ में कि इस बंदे ने डकैती की है ये ट्रू है जो जो चले ये जो प्रोपोजिशन मैं आपको दे रहा हूँ ये हकीकत में मबनी है ये ऐसा मेरी रिपोर्ट में हुआ था और आई प्रोसिक्यूटेड दैट विटनेस कह जी फलां 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 ने मेरे साथ डकैती की मेरी ये जो चीज़ें मोबाइल नकदी वगैरह ये छीन के ले गए और दूसरा गवाह भी वो भी ये कहे कि मैंने देखा था इसने इसके साथ डकैती की इसकी ये चीजें दे के चले गए जिरा रिजल्ट हो जाए उस डेट से पहले पहले कुछ सेटलमेंट हो जाए पार्टीज की वो आके ये कोर्ट में कह दे नहीं इसने मेरी डकैती नहीं की ना इसने मुझसे कुछ चीजें छीन ली। बड़ी वाजे तौर पे फॉल्स एविडेंस दे यहां पे क्वेश्चन अराइज हो जो जो मिसकंसेप्शन का बायस है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट उसकी ठीक है ये तो कोर्ट नहीं अभी गैदर कर सकती मे बी उसकी बाद वाली स्टेटमेंट ठीक हो बाकी डकैती ना की हो उसके साथ यानी पॉसिबिलिटी तो है अभी तो कोर्ट ने अपना जो ट्रायल है वो कंक्लूड नहीं किया एविडेंस अभी आनी है कोर्ट
जब तक किसी फाइंडिंग पे नहीं पहुंच जाती कि विच वन ऑफ दैट स्टेटमेंट वाज राइट, विच वाज रॉन्ग, विच वाज फॉल्स, तो कोर्ट कैसे उसको प्रोसिक्यूट कर ले? ये आपका सवाल है, मिसकंसेप्शन है कि नहीं कोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पता ही नहीं कोर्ट को क्या पता कि उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, लेकिन हो सकता है। कैसे? सेक्शन 236 सीआरपीसी। अब मैंने जो हाईलाइट किए मैं उसकी तरफ, क्योंकि आगे पांच छह और भी लीगल इश्यूज आ रहे हैं, तो मुख्तसर में करता हूं। पहले जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो एक एक्ट था, उसने जो पहले ये कहा था कि इस गवाह ने, इस मुलजम ने मेरी डकैती की, एक एक्ट हो गया। बाद में एक उसने कहा कि ये मेरी डकैती नहीं की, अनदर एक्ट हो गया, दो एक्ट हो गए, सीरीज ऑफ एक्ट्स आ गए। इज ऑफ सच ए नेचर दैट इट इज डाउटफुल विच ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द फैक्ट्स विच कैन बी प्रूव्ड विल कॉन्स्टिट्यूट द अक्यूज्ड मे बी चार्ज्ड विद having committed all or any of such offences, and any number of such charges may be tried at once, or he may be, ये रेजिमेंट है, he may be charged in alternative with having committed some one of the said offences. Court alternative में चार्ज करेगी और उसको convict कर सकती है। अब इसको अगर ये इलस्ट्रेशन ना होती तो इवन माई सर मैं भी ना, ट्रू स्पिरिट जो इस सेक्शन की है या ये डायमेंशन ट्रू स्पिरिट नहीं, उसके तो बहुत सारी और भी डायमेंशन हो सकती इस एक्ट की, इस सेक्शन की, लेकिन इस हवाले से जो मैं ये कह रहा हूँ मिसकंसेप्शन, ये इलस्ट्रेशन ना होती, ना दी होती नीचे, तो इस हवाले से हम ना पहुँच सकते कि ये क्या पढ़े। बड़ी आवाज है जो मैंने आपको बताई है, मिलती है। एक आदमी कहता है मैजिस्ट्रेट के पास कि ए हैज हिट बी सी विद क्लब, ए स्टेशन ऑफ बिफोर मैजिस्ट्रेट दैट ही सा बी हिट सी विद ए क्लब, बी को देखा कि सी को उसने डंडे के साथ मारा। आगे फिर जाके क्या करता है और कोर्ट ऑफ सेशन में क्या आगे कहते हैं, he never hit C, और कोर्ट में कहते हैं कि उसने कभी भी नहीं मारा, इन बिल्कुल वही समर सॉर्ट ले लिया, उलट बात कह दी। A may be charged in alternative and convicted of intentionally giving false evidence, although it cannot be proved which one of these contradictory statements was false. Without going into कि कौन सी statement सही है कौन सी गलत है, court alternative charge करेगी इसको, ये charge करेगी कि फलां ने फलां वक्त court में इस तरह ये कहा कि ये इस बंदे ने इसको मारा, या वो जो पहले मैं बता रहा था कि फलां ने मेरे साथ, फिर आगे इसने इस टाइम इस वक्त इस कोर्ट में मेरे सामने ये कहा कि उसने डकैती नहीं की, तो लिहाजा अल्टरनेटिवली चार्ज इस सूरत में फ्रेम हो के दैट मैन कैन बी कन्विक्टेड, और ये प्रोसिक्यूट करने के लिए या कन्विक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि पूरे ट्रायल का इंतजार किया जाए कि ट्रायल कंक्लूड होगा तो देन ही हम कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय फॉल्स एविडेंस जिसमें इंटायरली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो, वहां पे ट्रायल की कंक्लूजन से पहले भी गवाह जो है वो प्रोसिक्यूट भी हो जाएगा और चार्ज भी उस पर लगेगा अल्टरनेटिवली, और उसके बाद वो कन्विक्शन भी उसकी हो सकती है। ये मुख्तसर सा इस हवाले से अगर इस सवाल से कोई इशू नहीं।
देखें हमारे पास अक्सर ये मैजिस्ट्रियल लेवल पे ये आती है एक एप्लीकेशन, पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन आती है या किसी प्राइवेट पर्सन की तरफ से कि जी कब्र कुशाई की जाए, कब्र कुशाई की जाए, एक्सुमेशन भी कहते हैं इसको, डिसइंटरमेंट भी कहते हैं, दो वर्ड यूज होते हैं लीगल। आम जो कॉन्सेप्ट है, जो वही जो मैंने कहा कि मेरी नज़र में मिसकंसेप्शन है कि विदाउट गोइंग इनटू इंक्वायरी, इंक्वायरी किए बगैर कब्र कुशाई का मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है, ये मिसकंसेप्शन। और ये मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि इस हवाले से केस लॉ डेफिनेटली मौजूद है कि विदाउट गोइंग इनटू इंक्वायरी, विदाउट रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस कोर्ट कर सकता है, लिहाजा प्रैक्टिकली हम पे बाइंडिंग है, लिहाजा वो इसका भी समझे कि एकेडमी की एक पर्पज है। लेकिन मेरी नज़र में स्टैट्यूटरी इस सेक्शन को अगर हम देखें 174 को 176 को, इसके मुताबिक तो इंक्वायरी मस्ट है क्योंकि एक्सुमेशन इज पार्ट ऑफ दैट इंक्वायरी, उससे इंडिपेंडेंट नहीं है। और इंक्वायरी के लिए बड़ा वाज़े दिया हुआ है कि उसमें द मैजिस्ट्रेट होल्डिंग सच इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन बाय हिम इन कनेक्शन, तो मैजिस्ट्रेट जो होगा वो एविडेंस लिखेगा, मे नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी उस इंक्वायरी में एविडेंस लिखी जाएगी विटनेसेस। और तरीका वही है जो इंक्वायरी का ट्रायल का वही है। इंक्वायरी, अब सवाल ये कि इंक्वायरी क्यों जरूरी है, क्यों उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। पहले हम चलेंगे सेक्शन 174 आगे, नेक्स्ट 174। पुलिस को सीआरपीसी ने बाउंड कर दिया कि तीन इवेंचुअलिटीज हों तो पुलिस क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी और कंसर्न मैजिस्ट्रेट को, यहाँ नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है मीनिंग देर बाय कि इलाका मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगी। किन सूरतों में, कोई सुसाइड कर दे, किसी को कत्ल कर दे, मर्डर का, तीन सूरतें बड़ी बड़ी आ जाती हैं वैसे तो, कोई जानवर कत्ल कर दे मशीनरी से, एक्सीडेंट से, यानी कोई सुसाइड करे नंबर वन। नंबर टू, तीन सूरतों में कोई कत्ल हो, कत्ल लफज जी मर जाए, किल बाय एनिमल हो, मशीनरी से हो, एक्सीडेंट से मर जाए कोई बहुत हो जाए, तो ये सूरत दूसरी होगी। और तीसरी जो रेलिवेंट है ज्यादा, हैज डाइड अंडर सर्कमस्टांसिस रेजिंग ए रीजनेबल सस्पिशन दैट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, इन हालात में वो शख्स मरे के रीजनेबल शक हमें हो कि किसी ने उसको कत्ल किया और उसमें कोई ऑफेंस कमिट हुआ, इस सूरत में हो तो भी पुलिस जो है वो बाउंड है कि वो इंक्वायरी भी करे, चाहे उसके पास को आए कंप्लेंट लेके ना आए, वो इंक्वायरी करे, उसकी इलाका मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दे वापस। 176, अब जो इलाका मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेंगे, एक सूरत में तो वो लाजमन इंक्वायरी करेंगे, इंक्वेस्ट कॉमन वर्ड यूज होता है, इंक्वेस्ट करेंगे, किस सूरत में, क्या पुलिस कस्टडी में कोई बंदा फॉल्ट हो जाए मर, पुलिस कस्टडी में होगा, शेल का वर्ड है देखेंगे आप, वो शेल जरूरत है। ये देखो डाइज वाइल इन कस्टडी शेल है, यहां पे आगे जो दूसरी सूरत है उसमें मे कर दिया, यानी उसके में कोर्ट मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि वो इंक्वायरी करे, वो कर भी सकता है रिफ्यूज भी कर सकता है। किन सूरतों में, वो तीन सूरतें जो 174 में दी है, एंड इन एनी अदर केस मेंशन इन सेक्शन 174 ए बी सी, कौन सी, सुसाइड की, मशीनरी, जानवर,
कत्ल उसके जरिए को बंदा मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, या फिर तीसरी वो सूरत जो थी हाँ वो मशकूक हालात में इस तरीके से वो बंदा फौत हो कि लगे कि किसी ने ऑफेंस कमिट किया, यानी मर्डर होने का कोई वो शायबा हो कि इसमें मर्डर लगता हुआ कत्ल हुआ है, उसमें क्या होगा? He shall have all the powers in conducting it. क्या वो इंक्वायरी, ये होल्ड एन इंक्वायरी, ये होल्ड एन इंक्वायरी, और उसमें क्या होगा, ये एविडेंस भी वो लिखेगा. नेक्स्ट, अब ये देखें इसमें सब सेक्शन टू है, जो कबर कुशाई की एप्लीकेशन आती है वो इसी के तहत आएगी ना ज़्यादा, और तो कोई नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है सर इसमें है. अब यहां बहुत अहम लफ्ज है सच, सच मैजिस्ट्रेट, सिर्फ मैजिस्ट्रेट नहीं कहा या नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट नहीं कहा, जिससे ये हो कि ये इंडिपेंडेंट है, ये सब सेक्शन पहले सब सेक्शन वन से इंडिपेंडेंट है, नहीं. सच मैजिस्ट्रेट आप जानते हैं इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट का, जिसको जवाब है उसको पता होगा, सच वर्ड आए तो रेफर करता वो पिछले सेक्शन की तरफ, अगर एक से ज्यादा क्लॉजेस या सब सेक्शन हो तो उसमें सब्सिक्वेंटली अगर सच वर्ड आए तो वो पहले को, पहले क्लॉज को या पहले सब सेक्शन को रेफर करता है. तो ये किसको रेफर कर रहा है, सच मैजिस्ट्रेट पहले को, और पहले में क्या है, तो है इंक्वायरी का मीनिंग देर बाय कि ये जो मैजिस्ट्रेट है सच मैजिस्ट्रेट, कौन सा जो इंक्वायरी कर रहा है वो ही कर सकता है, किस लिए डिसेंटर कर सकता है, टू मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, डेड बॉडी को एग्जामिन कर सकता है, इंक्वायरी जो कर रहा है. तो अगर वो इंक्वायरी कर किस लिए रहा था, टू डिटरमिन कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ को डिटरमिन करने के लिए इंक्वायरी थी ना, तो उसमें जब वो देखेगा नहीं कि एग्जामिन ही कर सकेगा बॉडी को, या एग्जामिन करने के बाद फर्दर अपनी हेल्प लेने के लिए वो जो स्पेसिमेन भेजे जाते हैं साथ में मेडिकल ऑफिसर होता है, अगर वो साथ नहीं होगा तो जाहिर है वो अधूरी रह जाएगी बात पूरी नहीं, वो जस्ट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएगा. तो इसलिए टू मेक एन एग्जामिनेशन, इसलिए देखें आगे यहां पर भी दे दिया है, इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ हिज डेथ, कॉज ऑफ डेथ को डिस्कवर करने के लिए डिसइंटरमेंट या एग्जुमेशन होगी, और कौन कर सकता है वो, सच मैजिस्ट्रेट, कौन सा मैजिस्ट्रेट, जो पीछे सब सेक्शन वन में लिए. कंक्लूजन इसका क्या, मेरी नजर में कि इंक्वायरी मैंडेटरी है, मस्ट है, इंक्वायरी के बगैर एक्सुमेशन डिसइंटरमेंट नहीं होगी, इंक्वायरी के लिए जरूरी है उसके लिए विटनेसेस. ये इस प्रोविजन 174-176 के हवाले से मेरी अपनी राय, वो अभी पहले मैंने बताया था केस लॉज है, अभी रिसेंटली एक जगह पे एक जज साहब ना वो दे रहे थे प्रेजेंटेशन डिसइंटरमेंट के हवाले से, तो वो एक केस भी उन्होंने रेफर किया था जिसमें ये था विदाउट रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस, यानी इंक्वायरी के बगैर, दूसरे लफ्जों में इंक्वायरी के बगैर भी एग्जुमेशन डिसइंटरमेंट का ऑर्डर हो सकता है. ज़ाहर एप्लीकेबल तो वही है जो सेक्शन 174-176 की जो इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट ने दी है, हाई कोर्ट ने दी है या सुप्रीम कोर्ट ने रिफर दी हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, उस मैजिस्ट्रेट में और उस इंक्वायरी में देन डिसइंटरमेंट का ऑप्शन उसके पास है, वो कर सकता है. इस हवाले से कुछ क्विक क्वेश्चन आगे नेक्स्ट, इसको मैं स्किप कर दूंगा, इसको मैं ले जाऊंगा उस वाले में जो थोड़ा सा मैं टच इस तरह कर लेता हूं, डिटेल नहीं करूंगा, कि आपने अक्सर 491 की पिटीशंस फाइल की होंगी खुद भी, जिसमें होता क्या है कि पुलिस जो है वो इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा होता है. ये चल
कंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ चलो दोबारा इसका कुछ आगे एक मैं बाकी थोड़ा आइंदा के लिए कोई दिलचस्पी अगर किसी को हो तो मैं वो फिर वो इस अगले प्रेजेंटेशन को लाजमन कोई अटेंड करें तो मैं आगे ब्रीफ सा आगे चलूँ आगे चलूँ। अपॉइंटमेंट डेक्लेरेशन ऑफ गार्डियन आगे गार्डियनशिप एंड कस्टडी मैटर्स ज्यूरिसडिक्शन गार्डियन कोड की पूरी एग्जिस्टेंस ही अंडर क्वेश्चन आ जाती है अगर हम लॉ को फॉलो करें। लॉ को फॉलो करें तो गार्डियन कोड्स की पूरी जो एग्जिस्टेंस है वो ही अंडर क्वेश्चन है। वो कैसे होगी वो नेक्स्ट देखेंगे। और एक बोना फाइड परचेजर की टर्मिनोलॉजी शुरू रिसीवल में चार साल उस पर लाजमन उस दिन रोशनी डालेंगे कि बोना फाइड परचेजर की जो नोमेनक्लेचर है वो गलत जगह पे यूज की जाती है और ये मिसकंसेप्शन मेरे ख्याल बॉटम लेवल की यहाँ पे कि वो सपोज एक शख्स ने फ्रॉडलेंटली आगे बेच दी जमीन उसकी थी नहीं वो मालिक था ही सिरे से किसी बंदे ने बोना फाइड खरीद ली बाद में जब ट्रू ओनर है वो सूट लेकर आता है तो ये प्ली ली जाती है मैं तो बोना फाइड परचेजर बोना फाइड परचेजर ये टर्मिनोलॉजी नहीं है वो बोना फाइड परचेजर वो है नहीं सिरे से वो जो सेल है वही वर्ड ऑफ एन इश्यू है वो तो नदर वर्ड है तो उसमें बोना फाइड परचेजर की वो जो प्ली है वो कैसे आएगी। बोना फाइड परचेजर की जो प्ली है वो दो सूरतों में या दो सूरतों में है एक सेक्शन 43 है ट्रांस प्रॉपर्टी एक्ट का और एक 27 है स्पेसिफिक इफेक्ट कैसे है ये नेक्स्ट।